हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नरदेव बड़वाल। वेलकम बैक टू माय चैनल नरूज ऑटो ब्लॉग। दोस्तों, फाइनली इंतजार खत्म हुआ। महिंद्रा एंड महिंद्रा के मोस्ट अवेटेड 9-सीटर एसयूवी बोलेरो नियो प्लस महिंद्रा एंड महिंद्रा के शोरूम की शोभा बढ़ाने वाली है, जो कि बहुत ही जबरदस्त डिजाइन, डायनेमिक्स फीचर, सेफ्टी फीचर से लैस होने वाली है दोस्तों। और वहीं हम इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट की बात करें तो मिड मार्च 2023 में ये लॉन्च होगी। और इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस रेंज की अगर हम बात करें तो 9.5 लाख से लेकर 12 लाख एक्स शोरूम प्राइस दिल्ली जाने वाली है। रिसेंटली इसे टेस्टिंग के दौरान देखा गया है सड़कों पे, जिसे हम लोगों से शेयर किया है रस लेन ने, जिन्हें मैं पूरा पूरा क्रेडिट देना चाहूँगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, महिंद्रा का न्यू लोगो के साथ आ रही है, ट्विन पीक लोगो, और रियर प्रोफाइल में बोलेरो नियो प्लस की बैजिंग आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। जहाँ तक डिज़ाइन डायनेमिक्स की बात करें तो बोलेरो नियो की तरह ही इसके फ्रंट प्रोफाइल रहने वाले हैं। एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट, हेलोजन बल्ब, हाई बीम, लो बीम, टोन इंडिकेटर की कॉम्बिनेशन, फ्रंट ग्रिल बिल्कुल हूबहू यही देखने को मिलेगा ट्विन पीक लोगो के साथ। और नीचे आपको एयर डैम ब्लैक कलर में, और स्किड प्लेट भी आपको ब्लैक कलर में देखने को मिलेगा। बहुत ही शानदार फॉग लैम्प। जो मेजर डिफरेंस है साइड प्रोफाइल में देखने को मिलेगा, 400 mm ज़्यादा है बोलेरो नियो के मुकाबले में, बोलेरो नियो प्लस की लेंथ। जी हाँ दोस्तों, बाकी रियर प्रोफाइल एज इट इज़ रहने वाले हैं बोलेरो नियो की तरह ही। बस इसके टेल गेट पे आपको बोलेरो नियो प्लस की बैजिंग देखने को मिलेगा। टेल गेट माउंटेड आपको स्पेयर व्हील एज इट इज़ देखने को मिलेगा, और इसके की भी आपको ऐसा ही बिल्कुल हूबहू देखने को मिलेगा दोस्तों। ग्रैब हैंडल भी बिल्कुल एज इट इज़, और इसके इंटीरियर का जो थीम है बिल्कुल एज इट इज़ आपको देखने को मिलेगा बीच कलर में। और वहीं डैशबोर्ड लेआउट भी बिल्कुल सेम टू सेम डिटो रहने वाली है दोस्तों, जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो बोलेरो नियो की तरह ही। और रियर सीट से फ्रंट की ओर देखें तो कुछ इस तरह फील होने वाली है। बस मेजर डिफरेंस आपको सीटिंग कॉन्फिग्रेशन में देखने को मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो 2+3+4, जैसे कि ये 9-सीटर है दोस्तों, अब आपको बोलेरो नियो प्लस में 7-सीटर का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसमें 3 वेरिएंट्स आने वाले हैं, P4, P10, P10R, जिसमें आपको बोलेरो नियो की तरह ही जंप सीट देखने को मिलेगा 7-सीटर कॉन्फ़िगरेशन में। जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो, ये टोटल 6 वेरिएंट आने वाले हैं। 7th वेरिएंट में आपको एम्बुलेंस की सुविधा मिलने वाली, यानी कि एम्बुलेंस में भी उतारा जाएगा बोलेरो नियो प्लस। वहीं हम इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें, इसमें मिलने वाले हैं BS6 कंप्लाइंट 2.2 लीटर 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज डीजल इंजन, 94 BHP की पावर आपको इकोनॉमी मोड में एंड 120 BHP की पावर मोड में मिलने वाले हैं। ट्रांसमिशन आपको मिलने वाले हैं इसमें 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, काफ़ी अच्छी खासी माइलेज भी मिलने वाली है। वहीं सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो मिलने वाले हैं ड्यूल एयरबैग, ABS विद EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, रिवर्स पार्किंग कैमरा, सीट बेल्ट रिमाइंडर, ड्राइवर साइड एंड को पैसेंजर साइड, कीलेस एंट्री, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, आइसोपिक चाइल्ड सीट एंकरेज, डे नाइट IRBM, प्रेटेशनल एंड फोर्स लिमिटर सीट बेल्ट, इंजन इमोबिलाइजर, फ्रंट इंपैक्ट बीम, साइड इंपैक्ट बीम, एंटी थेफ्ट डिवाइस, स्पीड अलर्ट सिस्टम, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे प्रीमियम सेफ्टी फीचर्स आपको देखने को मिलेगा। ये थी दोस्तों महिंद्रा बोलेरो नियो प्लस से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, और एक लाइक तो बनता है, चैनल को सब्सक्राइब के बगैर बिल्कुल मत जाएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पे रोजाना ही ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी न्यूज़, रिव्यूज़, टेस्ट ड्राइव्स, वॉकराउंड, कंपेरिजन, एसेसरीज आपसे साझा करता रहता हूँ। तो चले दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।